तो आई वॉज ट्राइंग टू फॉलो दिस स्केड्यूल सेट बाय दिस राहुल सर, यू कैन सी प्रिज्म ग्रुप ऑफ फॉर CSE 2025। तो आई एम जस्ट फॉलोइंग दिस शेड्यूल टू रीड द कॉन्टेंट। आई एम नॉट दैट काइंड ऑफ UPSC आई UPSC एस्पिरेंट हु इज फुली डिवोटेड, बट या कि फॉर एनी कॉम्पिटेटिव एग्जाम देयर इज क्वालिटी, सो आई हैव टू रीड इट राइट, सो दैट्स आई एम रीडिंग इट। ओके, बट मेन पॉइंट इज दैट सर ने यहाँ पर देखो शेड्यूल शेयर किया है, बट जैसे कि इन्होंने सर ने सब्जेक्ट मेंशन कर दिया है, तो मैं ये बताना चाहता था कि ये शेड्यूल में क्या करना है, एक थोड़ा इम्प्रूवमेंट की ज़रूरत है। जैसे कि मान लो यहाँ पर जो है पार्लियामेंट लिख दिया है, मान लो यहाँ पर सर ने सिक्स चैप्टर पढ़ने के लिए बोला है। अब मेरे को ये नहीं पता चल रहा है कि इसमें कितने पेजेस है या फिर क्या है। पहली चीज़ तो मेरे पास हार्ड कॉपी नहीं है, तो अगर ये सब चीज़ मेंशनड है पेज नंबर तो ज़्यादा अच्छा होगा। और यहाँ पर एक चीज़ देखिए, सर ने बोला मंथली करंट अफेयर्स मई प्लस जून। अब इस देखो मई प्लस जून, यहाँ पर भी मई प्लस जून है, यहाँ पर भी मई प्लस जून है, और यहाँ पर भी मई प्लस जून है। तो अगर सर ने ये मेंशन कर देता कि यार कितने पेजेस इसमें एक्चुअली पढ़ना है ना, मई जून का जो भी है, तो आई थिंक वो एक बेटर क्या होगा कि एकदम बिल्कुल जो स्मार्ट बोलते हैं स्पेसिफिक मेजरेबल, ज़्यादा अच्छा गोल होगा। तो एटलीस्ट अब जब इस गोल को लिखिएगा, अगर आप फॉलो कर रहे हो इस ग्रुप को, तो आप जैसे कि मेरे पास एक वाइट बोर्ड है, वहाँ पर मैं लिखता हूँ इसको, क्योंकि मैंने सर ने ऑलरेडी एक शेड्यूल दे दिया है PDF फॉर्मेट में, बट वो मैंने प्रिंट नहीं किया, तो मैं लिखता हूँ ये। और मेरे को एक दिन का क्या है वो टास्क कंप्लीट करने में 3 डेज लग रहा है, अगर आपने मेरे वीडियोस देखेंगे तो आपको पता होगा। तो मैं वहाँ लिखता हूँ कि ये चैप्टर में इतना पेजेस है, इतने पेजेस है, इतने पेजेस है, तो इसमें मेरे को एक गाइडलाइन दिखता है कि हाँ ये चैप्टर में इतने टाइम में कंप्लीट कर लूँगा, इतने पेजेस है। तो वो आई थिंक वो ज़्यादा स्मार्ट है ना। ऐसे ही मंथली करंट अफेयर्स मान लो, तो मेरे को इतने पेजेस आज पढ़ना है, कल इतना पढ़ना है, फिर नेक्स्ट दिन इतना पेजेस पढ़ना है, तो फिर 2 मंथ का मई जून का कंप्लीट हो जाएगा। तो आप शेड्यूल आप थोड़ा सा एडिट कर लीजिए आप, और शेड्यूल को आप ऐसे बना लीजिए, तो आई थिंक वो ज़्यादा आपको माइंड को क्लिक करेगा, ठीक है। क्योंकि देखो मैं तो बिल्कुल ये शेड्यूल फॉलो नहीं कर पाऊँ, मैं ये शेड्यूल है 18 जुलाई का, मैं डेट भी 15 जुलाई का, आज मैंने 15 जुलाई का फॉलो कर रहा हूँ, तो मैं डेट भी वही लिखा हूँ। मेरा टारगेट ये है कि मेरे को जल्दी जाना है, बट 15 जुलाई का मैं अभी फॉलो कर रहा हूँ और चल क्या रहा है, मतलब मैं बैकलॉग ऐसे करके फॉलो, डेट वही है, तो मैं उस डेट का शेड्यूल आज फॉलो कर रहा हूँ ऐसे करके। तो मतलब ज़्यादा पढ़ना होगा तो डेट वही लिखो और ऐसे करके फॉलो कर सकते हो, क्योंकि देखो जो जो लोग शुरू कर दिया हो तो शुरू कर दिया। आप हो सकता है कि बहुत सारे लोग हैं जो अभी तक शुरू नहीं किया है, बट पॉलिटी को पढ़ना चाह रहे हैं एटलीस्ट, और लक्ष्मीकांत को बुक को, तो आपको कुछ डायरेक्शन नहीं मिल रहा है, तो फिर मेरे लगता है कि ये एक बेटर सर ने शेड्यूल दिया है जो आप फॉलो कर सकते हो। और टेलीग्राम का एक अच्छा फीचर है कि मैंने मान लो ये मैसेज यहाँ पर छोड़ दिया, बैक कर दिया, अब फिर से मैं जब इसको खोलूँगा ना देखूँगा तो ये मैसेज यहीं पर रहेगा, मैं नीचे में नहीं चले जाऊँगा, तो ये एक अच्छा फीचर है। तो आप हर दिन ऐसे ऐसे स्क्रॉल करते जाओगे, जैसे जैसे आपका शेड्यूल पूरा होगा ऐसे स्क्रॉल करते जाओगे, और ये अनडिड मैसेज आपको ये दिखेगा कि हाँ और फिर 17 मैसेज है, तो ये आई थिंक ऐसे आप ये बैक बैकलॉग या फिर ये ओल्ड शेड्यूल को आप फॉलो कर सकते हो, ठीक है। और बाकी अपडेट आपको चैनल में मिलते रहेगा, तो सब्सक्राइब करके रखिएगा चैनल को। चलिए, थैंक यू।